हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। लास्ट टाइम तक हमने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में दो टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट की है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी मोल इन टर्म्स ऑफ मास, और थर्ड टर्मिनोलॉजी जो कि हम आज पढ़ने वाले आज के पूरे लेक्चर में, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लास्ट टाइम कई बच्चों को डाउट्स आए थे कि सर चार्जेस वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे, चार्ज फाइंड आउट करना नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने नहीं आ रहे। डोंट वरी, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस DPP3 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे लास्ट टाइम इसके पहले के लेक्चर में उसके पहले की DPP2 का सॉल्यूशन मिल गया था, वैसे ही इसमें आपको DPP3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा और DPP4 भी मिल जाएगी, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्लियर? और अभी भी किसी को डाउट आ रहा है देन यू कैन कॉल मी, मुझे कॉल करना और फोन में अच्छे से समझ लेना कि भाई कौन सा क्वेश्चंस कैसे होता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं सारी चीजें बता दूंगा वो सॉल्यूशन के अंदर, फिर भी अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। क्लियर? ओके। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी मोल कंसेप्ट के अंदर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो भाई पहले एक क्लेरिफिकेशन, ये वॉल्यूम के टर्म में सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, इसके अंदर हम लिक्विड और सॉलिड ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। सिर्फ गैसियस एलिमेंट या फिर कंपाउंड के लिए, लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे गैस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं। अब स्टार्ट करने से पहले दो कंडीशन जिसके बारे में बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी वो दोनों टर्मिनोलॉजी है। तो भाई इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी आती है, STP एंड NTP। सॉरी, STP NTP क्या होता है मैं समझ में ही नहीं आ रहा। STP कैसे फाइंड आउट होता है, NTP मतलब उसमें कितना वॉल्यूम होता है, क्या वैल्यू, कुछ पता नहीं चलता। ओके, ये देखने के बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अच्छे से, STP का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाइल NTP का मीनिंग होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP का मीनिंग होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाइल STP का मीनिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये लेते क्यों है? तो अगर मैं यहां पे लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि भाई ये एक्सपेरिमेंट मैंने STP कंडीशन पे किया है, तो किसी अगर कोई दूसरे कंट्री में किसी को चेक करना है एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं, तो वो STP पे ही करेगा। मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल रहेगा, प्रेशर इक्वल रहेगा, मतलब कंडीशन दोनों की चेंज नहीं होगी। अगर फिर भी एरर आ रही तो ह्यूमन एरर हो सकती है या फिर मैकेनिकल एरर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन STP पे करने पे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा। और NTP बोला है तो NTP कुछ अलग होता है, STP कुछ अलग होता है। देखो STP में होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, वाइल इसको जनरली केल्विन में लिखते हैं 273 केल्विन। इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। आई होप सबको सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना आता है, कुछ नहीं करना है, सेल्सियस में 273 का एडिशन कर दो, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। ओके, नाउ इसके अंदर प्रेशर की बात करूं, इसके अंदर प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होगी कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। क्लियर? बाकी हम ये सब प्रेशर रिलेटेड जो भी बात है वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा चैप्टर है आपका, 5th चैप्टर, गैसियस स्टेट हम बोलेंगे उसको, उसके अंदर इसकी डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर प्रेशर की बात करूं तो इसके अंदर प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियरिक, और इसके अंदर भी होता है 1 एटमोस्फेरिक। अब देखो कई जगह पे ऐसा बोला जाता है कि IUPAC मतलब IUPAC ने ये 1 ATM रखा है, यहाँ पे 1 ATM में से चेंज करके 1 bar कर दिया। अब 1 ATM 1 bar दोनों का डिफरेंस कुछ होता है वो मैं नहीं जानना, मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे बता रहा हूं, देखना अच्छे से, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो
मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पे, PV इज इक्वल टू nRT। अब वो हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, मतलब STP के लिए भी देखते हैं, NTP के लिए भी देखते हैं। सर आप करना क्या चाहते हो इधर? सिंपली बेटा देखो, मैं प्रेशर की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा और मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, जो आप पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसकी वैल्यू मैं रखने वाला हूं 1, समझो 2 मिनट के लिए। R की भी बात आपको पता है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर भी हमें पता है 273 केल्विन। तो भाई n की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू, n की वैल्यू मैं 1 मोल रखूंगा, R ओके, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है, तो मुझे ऐसा पता चलेगा 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होता है और 1 मोल गैस का NTP पे वॉल्यूम कितना होता है। फिर हम धीरे 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 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे चले जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है, देखो ये PV इज इक्वल टू nRT में ऐसे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, वाइल n इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू होती है 0.0821 जो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है फिक्स है। इसके बारे में भी हम गैस मतलब गैसीय स्टेट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर की बात करूं तो भाई 273 केल्विन में लेना होता है, इसमें एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में आप सबको पता है केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। और प्रेशर की बात करूं तो भाई प्रेशर यहां पे हमें कितना लेना है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 22.4 लीटर। इट मींस 1 मोल किसी भी गैस का STP पे वॉल्यूम फिक्स है। देखो ये वैल्यू भी फिक्स 1, ये भी फिक्स, टेम्परेचर भी फिक्स, प्रेशर भी फिक्स। तो हमें ओवरऑल कंक्लूजन मिला कि भाई 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होता है। यहां पे किस में आंसर मिलेगा, लीटर में आंसर मिलेगा, क्लियर। अब यहां पे देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन nRT अपॉन P। अब n की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर रखना है 298 केल्विन अपॉन प्रेशर रखना है 1 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भाई आंसर मिलता है आपको 24.46 लीटर। इट मींस देखो कोई भी गैस का NTP पे वॉल्यूम होता है 24.46 लीटर। अब कई जगह से मुझे ऐसा पता चला है, मैंने जैसे इंक्वायरी की, जैसा एनालिसिस किया, जैसा स्टडी किया, इसके ऊपर से मुझे पता चला है कि भाई IUPSC ने यहां पे प्रेशर की वैल्यू 1 atm से 1 बार कर दी। अगर यहां पे 1 atm की जगह पे 1 बार लेते हो तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 atm में, मतलब बार में से एटीएम का कुछ कन्वर्जन होता है और ये वैल्यू हो जाती है, मतलब यहाँ पे बार में से एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो वैल्यू 1 से तो अलग होने वाली है क्योंकि एटीएम बार का कुछ कन्वर्जन अवेलेबल होता है, उसके बारे में नहीं देखना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आंसर मिलता है आपको 22.7 लीटर कम हो जाती है वैल्यू। अब क्या करना चाहिए, ये रखना है, वो रखना है? देखो एकदम ओवरऑल कंक्लूजन आपको मैं देता हूं, जो इस रेड बॉक्स में मिल रहा है उसको याद रखो, एक भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। देखो इधर कोई भी कंडीशन हो, एसटीपी कंडीशन है या फिर एनटीपी कंडीशन है, एक मोल गैस का वॉल्यूम आपको सारे न्यूमेरिकल में 22.4 लीटर ही लेना है। अगर एसटीपी गिवन है तो भी 22.4 लीटर, एनटीपी गिवन है तो भी 22.4 लीटर। ऐसा क्यों सर, एनटीपी में तो इतना आ रहा है, उसमें इतना आ रहा है? देखो भाई ये सब माइनर डिफरेंस किसके लिए है, जो एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें कुछ एरर आने के चांसेस है उसके लिए सारी वैल्यू है। हमें क्या करना है, स्टडी करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो भाई जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बने, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देख लो, आरसी मुखर्जी सर की बुक उठा के देख लो, विपुल मेहता सर की बुक उठा के देख लो, सबके अंदर क्लियरली लिखा है एसटीपी एनटीपी के अंदर 1 मोल गैस का वॉल्यूम आपको लेना है 22.4 लीटर। कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आप क्लेरिफाई कर सकते हो, गूगल में भी आप क्लेरिफाई कर सकते हो,
इवन आप जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल के अंदर आपको यही वैल्यू लेनी पड़ेगी तो ही आपका ऑप्शन मैच होगा। तो भाई उल्टा चलके क्या फायदा, क्लियर? जो ये रियलिटी थी वो मैंने बता दी। अगर कोई आगे एनालिसिस पर्पस ले जाए, बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता कि सर यहाँ पे ये है यहाँ पे ये लेना पड़ता क्यों। यहाँ पे देखो रीजन मिल रहा है आपको कि भाई ये चीज है लेकिन आपको ये लेके चलना है, ये वैल्यू आपको माननी है, तो आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, वरना न्यूमेरिकल सोल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। क्लियर, दिमाग में उतर रहा है? तो आपको रेड बॉक्स वाली बात याद रखनी थी, ये सारा आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन थी कि भाई एसटीपी एनटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। क्लियर, अब एसटीपी लिखा है तो भी चल जाने दो, एनटीपी लिखा है तो भी जाने, हमारे लिए एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी दोनों पे 22.4। अभी कुछ एनालिसिस तो करना नहीं है, फ्यूचर में जो भी बच्चे एनालिसिस करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में जाएंगे, वहां पे आपको ये बताना है कि सर देखो यहाँ पे हम 22.4 ले रहे थे लेकिन कब, जब कैलकुलेशन करनी थी, और वहां पे जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं ऑलरेडी उसके अंदर छोटी छोटी एरर आने के चांसेस है, इसलिए वहां पे आपको परफेक्ट वैल्यू लेके चलना होता है, मतलब आपको ये लेके चलना है। 11, 12 दोनों स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्लियर, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो, फिर हम वॉल्यूम कन्वर्जन सीख लेते हैं। कई बच्चों को उसमें भी डाउट होता है, मीटर क्यूब में से लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो सारी चीजें, मतलब सीसी सेंटीमीटर क्यूब वो भी हमें पता है, लेकिन सारी चीजें एक बार लिख लेते हैं, मतलब दिमाग में अच्छे से सब छप जाए। जल्दी से लिख दो, ये लिख लिया सबने। अब एक हेडिंग डाल दो नोट्स बना के, मतलब साइड में वॉल्यूम कन्वर्जन स्ट्रेंथ वाली नाइन्थ वाली एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम को कन्वर्ट कैसे करते हैं। कई बच्चों को इसमें डाउट है वॉल्यूम कन्वर्ट करना, तो इसमें जरूरत पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस आएंगे। देखो आपको पहले एक बात याद होनी चाहिए कि भाई 1 लीटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू कितने ml होते हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1000 ml, मतलब आपको ये कन्वर्जन याद रखना है। ओके, दूसरा कन्वर्जन जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter, ये भी आप 8th standard में पढ़ चुके हो, 7th standard में पढ़ चुके हो, एकदम बेसिक सी बात है। 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter। अब 1 meter इज इक्वल टू क्या होता है, तो भाई अगेन 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, तो 100 centimeter cube इज इक्वल टू 1000 liter, ऐसा हम बोल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10^6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो 2^3 मतलब 10^6, सिंपल सी बात थी। अब देखो ये भी 1000 लीटर, और यहाँ पे देखो 1000 लीटर मतलब ये दो, मतलब तीन को साथ में रखना है, यहाँ पे तीन कन्वर्जन हो गए। आगे आपको ओके 1000 लीटर का, यहाँ पे 1 लीटर का फाइंड आउट करते हैं, 1 लीटर का कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो वो भी इजी बात है, 10^6 अपॉन 1000, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10^3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, ये बात भी हो गई। अब देखो यहां से आगे देखते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml, और यहाँ पे 1000 centimeter cube, इट मीन्स 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है सीसी, तो भाई ये भी हो गया 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, तो एक बात ये आपको याद रखनी थी, एक बात आपको ये याद रखनी थी, 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter। फिर बाकी तो सारे छोटे छोटे कन्वर्जन से आप कर लेंगे, जो भी कन्वर्जन आएंगे, डेसीमीटर मीटर वो तो इजी है, कर सकते हैं, छोटे बच्चों को सिखाया हुआ होता है कि भाई 6th standard में ऐसा सेंटेंस याद रखो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो। क्लियर, चल इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी, और यहाँ पे फाइनली एक नोट डाल दो कि भाई 1 mole ऑफ एनी गैस, 1 mole ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी, व्हाटएवर एसटीपी और एनटीपी, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर से सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चल इरेज कर रहा हूं मैं इन दोनों को, मतलब वॉल्यूम कन्वर्जन से वो पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम्स वाले जो भी क्वेश्चंस आए उसके अंदर आपको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर, मतलब लीटर में देखो फॉर्मूला में लीटर में रखना है, फॉर्मूला में भी बना रहा हूं उसमें लीटर में रखना है, तो आपको लीटर में जाना आना चाहिए। क्लियर, चलो
किसी को बाकी रह गया तो भाई रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब देखो 1 लीटर का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। ओके तो भाई यहां पे देखो फॉर्मूला बन रहा है, धीरे धीरे मुझे मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकालना है। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है, देखो वहां पे हम कैसे स्टैंडर्ड बना रहे थे 1 मोल में इतने पार्टिकल, तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि भाई 44.8 लीटर में कितने मोल्स होंगे। तो आप कैसे लगाएंगे, देखो भाई 44.8 लीटर यहाँ पे देखो मोल्स इज इक्वल टू, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, और यहाँ पे भी लीटर आ गया। अब ये दोनों लीटर लीटर कैंसिल हो जाएंगे, मोल्स ऊपर चला जाएगा, मतलब आपको आंसर मिल जाएगा 2 मोल्स। देखो यहाँ पे हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, तो भाई इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो ये गैस के लिए नया फॉर्मूला बन गया, कोई भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे या एनटीपी पे फाइंड आउट करना है तो उसको मतलब यहाँ पे वो गिवन होता है 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। 22.4 लीटर को मोल के साथ मल्टीप्लाई कर लो वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब ये छोटी सी बेसिक सी बात थी वो मैंने बता दी है। थर्ड फॉर्मूला आपके पास आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, थर्ड फॉर्मूला मिल गया वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब इन तीनों को आपको साथ में लगाना है, तो भाई एक बात याद रखना, ये तीनों साथ में तभी लगाना जब आपका जो भी एलिमेंट हो वो गैसियस स्टेट में हो, बाकी तीनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तीनों का कंपैरिजन तभी करना है जब तीनों गैसी, मतलब यहाँ पे जो मास की बात वो भी गैसियस स्टेट की हो या फिर पार्टिकल वो भी गैसियस, क्योंकि ये फॉर्मूला गैस के लिए, तो तीनों तभी करने चाहिए जब गैस के लिए। इतना समझ रहे होंगे आई होप, इतने तो स्मार्ट हो आप लोग, क्लियर। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा से न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्लियर। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों जल्दी से हेडिंग डाल दो, क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट। अब ये वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजी में अभी तक हमने डीपीपी और उन दोनों को, मतलब जो एग्जांपल्स करवाता उन दोनों को इंक्लूड करके अप्रोक्सीमेटली हमने 40-45 क्वेश्चंस कर लिए। देखो जेडब्ल्यू नीट में इंपॉर्टेंट वही होता है कि भाई क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट हर कोई समझा सकता है, हर जगह यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स पड़े कि भाई कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करना जरूरी है, क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन में आपको यह बोला है कि भाई फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2.24 लीटर, यहां पे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2.24 लीटर ऑफ ओजोन गैस। अब आपके पास ओजोन गैस है, उसका 2.24 लीटर वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है, तो उसके आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू यहां पे लिखते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन, और यहाँ पे ये सारी कंडीशन यहाँ पे आपको दिया है एसटीपी पे, मतलब आपको एसटीपी पे ही फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, तो देखो यहाँ पे ऊपर कितना है 2.24, नीचे है 22.4, ऊपर से नीचे आएगा तो भाई 224 अपॉन 100, नीचे 22.4 एक पॉइंट निकला तो ऊपर 10, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 1/10, मतलब 0.1 मोल ऑफ ओजोन गैस आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि भाई हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 89.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसके अंदर, 89.6 लीटर हाइड्रोजन गैस मेरे पास अवेलेबल है तो मोल्स कितने अवेलेबल है, सिंपल देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, 89.6 अपॉन 22.4।
इसको हम डिवाइड करेंगे तो भाई अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा आपको 4 मोल्स, मतलब ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर है भाई 2.8 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, 2.8 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो इसके लिए कन्वर्जन जरूरी है, तो भाई 1 मीटर, और ये वो लीटर में रख रहे, देखो यहाँ पे लीटर है, लीटर लीटर कैंसिल आउट हो सकता है, बेसिक सी बात समझ सकते हो आप। 2.8 मीटर क्यूब को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 2.8 मीटर क्यूब, सिंपल। ओके, तो भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 2.8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। तो भाई यहाँ पे सिंपली आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 2.8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 2.8 into 1000। चलो यहां से पॉइंट निकाला, नीचे डाल दिया मैंने 10, यहाँ पे 1000 मतलब 00 कर 28, उसके पीछे 20 मतलब 2800 लीटर, क्लियर। मतलब सिंपल सी बात थी, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 2 मीटर क्यूब में 2000 लीटर, और 0.8 में 800 मतलब 2800 लीटर। अब सिर्फ आपको इसको 22.4 से डिवाइड करना है और आपको मोल्स इजीली मिल जाएंगे। आप इतना कर सकते हो, फॉर्मूला डाल दो, n इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम लीटर में मिल गया अपॉन 22.4 कर दो, मतलब आपको H2S गैस के मोल्स इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखना जरूरी है भाई, H2S गैसियस स्टेट में है, और सारा मतलब जितना भी है वो STP पे, तो नोट डाउन कर लीजिए तीनों क्वेश्चन। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि भाई कंटेनर हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, देन फाइंड आउट, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी से, 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, और ये सब STP कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP STP दोनों पे आपको 22.4 लीटर से कैलकुलेशन करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सिंपल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब 5.6 अपॉन 22.4, ये हो जाएगा। इन दोनों का डिवीजन करने पे, यहां से पॉइंट निकालो, 10-10 कट हो जाएंगे, 56 अपॉन 22.4, मतलब यहां पे आ जाएगा कुछ 1/4, 0.25 मोल्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मोल्स। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 पूछे, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na जितने मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻³। यहां पे कितने मोल्स हैं, 0.25, एक मोल के अंदर Na जितने मॉलिक्यूल्स, देन 0.25 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 0.25 Na। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, आगे के लेक्चर में हम कर चुके हैं ये सब। थर्ड क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं SO2 के अंदर, तो भाई सल्फर एटॉमिक नंबर होता है 16 एटॉमिक नंबर, तो 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और दूसरा भी ऑक्सीजन है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स इसके। एक SO2 मॉलिक्यूल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स, देन कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, 0.25 Na नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड, 0.25 Na × 32। तो सिंपल आंसर मिल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर
0.25 Na into 32। अब Na की वैल्यू डालो या ना डालो कोई इश्यू नहीं, मतलब आपके पास तो एमसीक्यू में मतलब चार ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर Na लिखा हुआ होता है मोस्ट प्रोबेबली, और वैल्यू है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर पूछा है कि भाई मास ऑफ SO2, अब ये गैस की बात कर रहे हैं, मास ऑफ SO2। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे देखो हमने इन क्वांटिटी के टर्म में देख लिया, यहाँ पे मोल्स और SO2 मतलब गैस के टर्म वॉल्यूम के टर्म में भी हो गया, और लास्ट है अभी मास ऑफ SO2। तो भाई ये फॉर्मूला लगा सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी हमारा फॉर्मूला है। गिवन मास हमें नहीं पता है, मोलर मास SO2 का पता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी पता है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कितने है, 0.25 मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास एज इट इज। अब निकलना है SO2 का मोलर मास, तो भाई यहाँ पे देखो SO2 का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, ट्रिक आपको पता है, अगर इवन नंबर है तो उसको करना है मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 16 का हो जाएगा 32। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, वो भी इवन है मतलब उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 16, और दूसरा भी है मतलब 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। अब से आप याद रख सकते हो SO2 का मोलर मास 64 ग्राम पर मोल होता है, हम सारी जगह पे ग्राम पर मोल का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे लगाना है आपको 64, अब गिवन मास फाइंड आउट करना है तो 64 को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज करके देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे, आपको वॉल्यूम पता था, तो वॉल्यूम के टर्म में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया 0.25 मोल्स, ओके। सेकंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, एक मोल कोई भी चीज ले लो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे तो SO2 मतलब मॉलिक्यूल के टर्म में हमें बात करनी है। एक मोल के अंदर Na जितने मॉलिक्यूल्स, देन 0.25 के अंदर कितने, तो सिंपली 0.25 Na, वो भी खत्म हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 32। एक SO2 के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमारे पास 5.6 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 0.25 Na मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपको सिंपली आंसर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, मास ऑफ SO2 मतलब इस लीटर को हमें मास में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमें नहीं पता, अपॉन मोलर मास कितना है 64, वो आपने यहां से निकाल लिया, 64 इंटू 0.25 नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आपको आंसर मिल गया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एबीसीडी चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालो, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है सबको अच्छे से क्वेश्चन की। मैं 3 के काउंट पे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, अभी भी आपने नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन सोल्व करिए। चलो 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई एक अननोन गैस जो हमें फाइंड आउट करना है, उसकी डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर है। अब आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, डेंसिटी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। एट एसटीपी मतलब एसटीपी पे ये डेंसिटी हमें फाइंड आउट करके दी गई है, तो वो गैस कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, डेंसिटी का मीनिंग होता है डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी मतलब रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमें पता है कितनी है 1.96, मास हमें नहीं पता है, अपॉन वॉल्यूम, तो देखो यहाँ पे लीटर में मतलब वो भी वॉल्यूम लीटर में, और कितना है तो 1.6 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली हम लीटर उसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। देखो यहाँ पे क्लियरली एसटीपी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, थोड़ी देर पहले हम एसटीपी एनटीपी का डिफरेंस पढ़ चुके हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम आपको लेना होता है 22.4, तो 1.96 ग्राम है और एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4, तो यहाँ पे देखो हिडन वैल्यू आपको गिवन होती है 22.4, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो भाई मास कितना होगा, सिंपल 1.96 इंटू 22.4,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 44। और 44 मास किसका होता है? यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का मोलर मास नाइट्रोजन 7, एक्सेप्शनल वैल्यू 1, 4, 7, 17, 18। उन पांच एटम, पांच एलिमेंट होते हैं उसकी वैल्यू एक्सेप्शनल होती है, मतलब 7 का आपको ओड है फिर भी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 14। ऑक्सीजन थोड़ी देर पहले क्या 32 प्लस 14, यहाँ पे कितना होगा 42 और 4, ये हो जाएगा 46, तो ये तो नहीं है, हमारा आंसर है 44। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मास एटॉमिक नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16 26 और 2, मतलब 28। SO2 का चेक करो, थोड़ी देर पहले हमने किया था, कितना आया था 32 32, मतलब 64। यहाँ पे CO2 का फाइंड आउट करो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 एम, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, 32 प्लस 12 मतलब 44, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। अच्छे से क्वेश्चन को समझो एक बार, एक अननोन गैस है, अब डेंसिटी एक फिक्स वैल्यू होती है और वो एसटीपी पे गिवन है, एसटीपी पे वॉल्यूम तो हमें पता है, डेंसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम इसके ऊपर से मास निकाल सकते हैं, जो मास मिलेगा वो भी एक फिक्स मास होगा, और फिक्स मास किसका हो जाएगा, उसका मोलर मास ही फिक्स होता है, तो यहाँ पे हमें मिल गया मोलर मास इज इक्वल टू 1.96 × 22.4, वो वैल्यू आ जाएगी 44 और आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, फिर उसको सोल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अच्छे से देखो, एन अननोन गैस हैविंग मास 8 ग्राम, एक गैस है उसका मास है 8 ग्राम, इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर। अब सबको पता है गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में उसको डालो मतलब उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसका वॉल्यूम हो रहा है टोटल 44.8 लीटर। फाइंड आउट अननोन गैस, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, वो जो अननोन गैस है वो कौन सी गैस है वो फाइंड आउट करनी है, और उसके अंदर कितने एटम्स अवेलेबल है गैस के वो फाइंड आउट करने हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, मास और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो हमने सीखा हुआ है मास और वॉल्यूम का रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो भाई सिंपल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी मोल का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये भी मोल का फॉर्मूला है, मतलब दोनों एन इज इक्वल टू एन थे, तो इन दोनों को भी हम इक्वालिटी में रख सकते हैं। गिवन मास कितना है 8 ग्राम, मोलर मास अगर मुझे पता चल जाए तो अननोन गैस कौन सी होगी वो भी मुझे पता चल जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें दिया है 44.8 अपॉन 22.4, इन दोनों को कट करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब सिंपल, मोलर मास कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 4 ग्राम पर मोल। चलो सिंपली अब याद करो, 4 ग्राम पर मोल किसका मोलर मास होता है, हाइड्रोजन यूनिक नंबर 1, उसका मोलर मास भी 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इवन नंबर, इवन को क्या करना होता है मल्टीप्लाई बाय 2, तो इवन नंबर हीलियम था और उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे आपको आंसर मिल रहा था 4। इट मींस जो आपको ये अननोन गैस मिल रही है वो कौन सी है, हीलियम गैस है। चलो वो फाइंड आउट हो गया। अब सिंपल, यहाँ पे 4 ग्राम पर मोल आपके पास है, आपको फाइंड आउट करने नंबर ऑफ एटम्स इन गैस, मतलब इस गैस के एटम्स कितने हैं, तो पहले आपको सिंपली मोल्स पता होने चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सिंपली गिवन मास अपॉन मोलर मास, 8 ग्राम अपॉन 4 ग्राम, मतलब 2 मोल्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻³। इट मींस एक मोल के अंदर एन ए जितने एटम्स होते हैं, यहाँ पे कितने अवेलेबल है हमारे पास मोल्स, 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 2 × NA, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट हो गए। सिंपल, ये नंबर ऑफ एटम्स और ये आपकी हीलियम गैस, तो अननोन गैस कौन सी थी, हीलियम, उसके आपके पास 2 मोल्स थे, उसके आपके पास 12.044 × 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है, और उसका वॉल्यूम 44.8 लीटर, मतलब सारी डिटेल हम इस फॉर्मूला के ऊपर से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ईच हीलियम नाइट्रोजन CO2 इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट STP। STP कंडीशन पे
यहाँ पे हीलियम नाइट्रोजन एंड CO2 कंटेनर में अवेलेबल है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स एंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा हुआ है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, कोई भी मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन रख दो, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सब इक्वल कर दो, तो एक कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हीलियम इज टू नाइट्रोजन इज टू CO2, कितनी वैल्यू मिलेगी, हीलियम इज टू नाइट्रोजन इज टू CO2, और वो जितने भी है लेकिन है तो इक्वल, मतलब 5:5:5, 10:10:10 ओवरऑल 1:1:1, तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो हो जाएगा 1:1:1। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, अब हीलियम इटसेल्फ मतलब उसको हम एटम बोल सकते हैं, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, दो, और CO2 एक मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम होते हैं। तो यहां पे मैं हीलियम इज टू नाइट्रोजन इज टू, यहां पे देखो CO2 मतलब यहां पे नाइट्रोजन एंड CO2 इन तीनों के एटम्स का रेशियो निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल में यहां पे तो एक ही एटम है, यहां पे एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, और यहां पे एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, मतलब अब जितने भी हो गए वो 1 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में और 3 के मल्टीपल में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसको आप 1 मतलब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1:2:3। इट मींस हीलियम इटसेल्फ मॉलिक्यूल, उसके अंदर एटम भी एक, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर दो एटम है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें डबल हो जाएंगे एटम्स, और CO2 जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब 1:2:3, सिंपल। अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अगर मैं हीलियम इज टू नाइट्रोजन इज टू CO2 का वॉल्यूम का रेशियो निकालो, तो भाई STP पे वॉल्यूम तो फिक्स होता है 22.4, इसका भी 22.4, इसका भी 22.4, ओवरऑल आपको आंसर मिलेगा 22.4:22.4:22.4। इसको सिंपली आप 1:1:1 के फॉर्म में लिख सकते हो, क्लियर। लास्ट है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 2। अब देखो एक के अंदर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब जितने भी होंगे मतलब यहाँ पे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, रेशियो तो एन है तो कट हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन की बात करूं, एन टू के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितने नाइट्रोजन है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। और एक CO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे 8 2 16 प्लस 6, टोटल हो जाएंगे 22। तो आपको आंसर मिलेगा 2:14:22। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो तो 1:7:11, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का रेशियो। फिर से एक बार इसको रिपीट करते देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे CO2 के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने भी है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है वो तो सब कट हो जाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिलेगा 1:7:11। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, टोटल 5-6 क्वेश्चन हमने किए आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर की DP भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू ही मिल जाएगा, क्लियर। चलो बाय बाय।